है टाटा टियागो सीएनजी ऑटोमेटिक। हालांकि टियागो के आप पहले भी काफ़ी वीडियोस देख चुके होंगे, सीएनजी के भी काफ़ी वीडियोस देख चुके होंगे, लेकिन ये कुछ अलग है, ये कुछ खास है क्योंकि फर्स्ट इन सेगमेंट टाटा ने लॉन्च कर दी है सीएनजी के साथ एएमटी वर्जन, यानी कि अब ये आपको ऑटोमेटिक में भी मिलेगी। हालांकि अगर आप कंपटीशन में देखें तो इस तरह का कॉम्बिनेशन में कोई भी ब्रांड आपको सीएनजी के साथ ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं दे रहा है। सीएनजी में आपको हमेशा से मैनुअल ही मिलता आया है, लेकिन जनरली अगर हम इसकी नीड समझें, रिक्वायरमेंट समझें गाड़ी की, तो इस गाड़ी को वो लोग लेते हैं जो माइलेज प्रेफर करते हैं, कम कॉस्ट में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पसंद करते हैं। और अगर आप ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं तो आप ट्रैफिक में भी जाते होंगे, हाईवेज पे भी जाते होंगे, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक भी रहता होगा, और वहाँ पर अगर आप मैनुअल चला रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली जैसे ट्रैफिक या किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी के ट्रैफिक में आपको कितनी दिक्कत आएगी, क्योंकि नीड ऐसी है। एक जो मिडिल क्लास पर्सन है वो सीएनजी का ऑप्शन इसीलिए लेता है कि उसको कॉस्ट इफेक्टिव कार पड़े, और अगर वो डिस्टेंस भी ज़्यादा ट्रैवल करता है तो उसमें उसको कुछ किफ़ायत महसूस हो, और किफ़ायत के साथ साथ अगर आपको कम्फर्ट भी मिल जाए तो वो सोने पर सुहागा हो जाएगा, और यही टाटा ने इस गाड़ी में आपको दिया है। एक और चीज़ जो इसमें आपको सीएनजी में खास मिलेगी, हालांकि ये सीएनजी में पहले से आ रहा था लेकिन मैं इसको हाईलाइट कर दूं क्योंकि अगेन ये फर्स्ट इन सेगमेंट है, वो है इसका ड्यूल सिलेंडर टेक्नोलॉजी, जो अभी आप ओवरले देख रहे हैं। ड्यूल सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ आता है, यानी कि दो सिलेंडर आपको इसमें मिलते हैं, एक 25 किलोग्राम का और एक 35 किलोग्राम का। हालांकि टोटल सीएनजी इसमें 8 से 10 किलोग्राम की आती है, 1/3 ऑफ द टोटल जो पेट्रोल की कॉस्ट पड़ती है वो आपको सीएनजी में पड़ती है, और हम जानते हैं कि सीएनजी की कॉस्ट बढ़ने के बावजूद ये आपको काफी कॉस्ट इफेक्टिव पड़ती है। ड्यूल सिलेंडर टेक्नोलॉजी के बाद एक और चीज जो बढ़िया हो जाती है वो ये आपको बूट स्पेस मिलना शुरू हो जाता है। दूसरा, आपको स्पेयर व्हील की अगर शिकायत है कि बूट स्पेस भी मिलेगा, ड्यूल सिलेंडर भी मिलेगा, तो शायद स्पेयर व्हील आपको नहीं मिलेगा, लेकिन यहां पर आपको स्पेयर व्हील भी मिलेगा, वो मैं दिखाऊंगा अभी आपको। सबसे पहले गाड़ी की एक ओवरऑल लुक देख लेते हैं, बहुत ही छोटा सा वॉक अराउंड करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम टियागो का वीडियो अपने चैनल पर कर चुके हैं, पेट्रोल का नहीं ईवी का कर चुके हैं। ईवी का रेंज टेस्ट भी हमने किया था जिसमें हमने बताया था कि टियागो ईवी की क्या रेंज निकल के आती है, वो हमने बिल्कुल ऑनेस्टली आपके साथ शेयर किया था, और 200 प्लस की रेंज निकल के आई थी। अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन मैं दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, वो जरूर देखिए जाके, बहुत ही बढ़िया वीडियो है। उसके अलावा अगर आप देखें ओवरऑल, यहां पर आपको जो है बम्पर इस तरह से मिलता है, नीचे की तरफ थोड़ा स्लांट, क्योंकि अगर आप अंदर से देखेंगे तो आपको बम्पर का जो है एंड पॉइंट नहीं दिखेगा, जब अंदर चलेंगे तो वहां बात करेंगे। ओवरऑल अगर हम इसके हेडलाइट्स की बात करें तो हैलोजन लैंप्स आपको मिलने वाले हैं, नीचे फॉग लैंप्स भी आपको मिलेंगे, लेकिन सब हैलोजन में मिलेगा, यहां पे एलईडी सेटअप नहीं मिलेगा। राइट साइड में आ जाते हैं, राइट साइड में आपको 14 इंचेस के टायर मिलते हैं, ये आपको दिखने में एलॉय वाली लुक देंगे, हालांकि ये एलॉय नहीं है। ये ओआरवीएम्स की बात करें तो ओआरवीएम्स आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेड और इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल आपको मिलते हैं, ये एक अच्छी चीज़ है। उसके अलावा पीछे आ जाते हैं, इस सेगमेंट की गाड़ी में आपको ये सारे फीचर्स आपको मिलते हैं, यानी कि आपको रियर वाइपर मिलता है, डिफॉगर मिलता है, स्टॉप लैंप मिलता है, इसके अलावा आपको यहाँ स्पॉइलर मिलता है, टाटा का जो न्यूली डिफाइंड जो लोगो है वो मिलता है, सेंटर में आपको टियागो लिखा मिलता है। और एक चीज़ जो मैं आपको इसका सबसे पहले बूट स्पेस ही दिखा देता हूँ, तकरीबन 100 लीटर्स के आसपास का आपको बूट स्पेस मिलता है, सफिशियंट है, अगर ना से तो बहुत अच्छा है, दो छोटे बैग्स आपको यहाँ पर रखने का स्पेस मिल जाएगा। अब दिखाते हैं मेन चीज़ कि इसका सिलेंडर कहाँ प्लेस किया गया है, अच्छे से फिटिंग विटिंग सब करके जो है टाटा ने यहाँ काम बहुत बढ़िया किया है। ये देखिए प्रॉपर जो है आयरन का यहाँ पर आपको पूरा रैक मिलेगा और उसके अंदर दोनों सिलेंडर्स को प्लेस किया गया है, कितने बढ़िया से सारी आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा, क्लोजली आप देखें तो प्रॉपर यहाँ नीचे भी वो जो है रॉड्स वगैरह सब लगाई गई हैं सपोर्ट देने के लिए, ताकि सिलेंडर का जो भार है वो ज़्यादा नीचे बॉडी वेट पे ना जाए उस, और काफ़ी अच्छे से फिटिंग विटिंग सब बढ़िया की गई। यही फायदा होता है जब आप कंपनी फिटेड सीएनजीज लेते हैं एज कम्पेयर टू जब आप बाहर से सीएनजी लगवाते हैं। हालांकि आजकल बाहर की सीएनजीज भी काफ़ी एडवांस हो गई हैं, एफिशिएंट हो गई, बट कंपनी फिटेड सीएनजीज का मुकाबला नहीं कर सकते। तो अगर आप एक गाड़ी जो है सीएनजी वाली लेने की सोच रहे हैं तो कोशिश यही कीजिए कि कंपनी फिटेड सीएनजी लीजिए। और टाटा ने तो फिर अगेन एक स्टेप आगे होकर जो है काफ़ी बढ़िया काम कर दिया है, और वो ये कि ड्यूल सिलेंडर टेक्नोलॉजी दे दी है। उसके अलावा एक चीज़ और है, थोड़ा मैं नीचे झुककर यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, स्पेयर व्हील्स की हम बात कर रहे थे, यहाँ पे मैं झुककर दिखाना चाहूँगा कि अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील भी नीचे से मिल जाएगा, यानी कि नीचे जो है स्पेयर व्हील जैसे बड़ी गाड़ियों में हमें सफारी या हैरियर में देखने को मिलता है, उसी तरह से आपको यहाँ स्पेयर व्हील नीचे से मिलेगा, जिसका नॉट आपको यहाँ पर जो है यहाँ दिया गया है, और आप उसको जो है जैक के थ्रू घुमा करके टायर नीचे ऊपर अपना यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी। अब मेन क्वेश्चन आता है कि भैया टियागो पेट्रोल भी चला ली, टियागो ईवी भी चला ली, टियागो सीएनजी भी चला ली, लेकिन सीएनजी ऑटोमेटिक किस तरह से चलती है? तो अब अंदर चलते हैं, सीएनजी ऑटोमेटिक का ड्राइव करते हैं और देखते हैं कि इस कॉम्बिनेशन में टाटा ने कितना अच्छा या बुरा काम किया है। आइए, अब टियागो सीएनजी ये एएमटी के अंदर के इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर आपको बिल्कुल वैसा ही मिलेगा जैसे आपको पेट्रोल में मिलता है। हालांकि ईवी का थोड़ा सा इंटीरियर डिफरेंट होता है, जिसमें आपको वो ब्लू लाइनिंग ज़्यादा मिलती है जो ईवी टाटा का सिग्नेचर लाइनिंग है जो ईवी कार्स में रहता है, चाहे वो नेक्सॉन हो, चाहे वो टियागो हो, चाहे वो पंच हो,
लेकिन इसका इंटीरियर मोर और लेस आपको पेट्रोल जैसा ही दिखेगा। थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पर आपको जो एसी के वेंट्स हैं वो एसी के वेंट्स आपको थोड़ा सा बॉडी कलर में मिलेंगे, जैसे आपकी गाड़ी का कलर है बाहर से उसी तरह के आपको एक आउटलाइन देने की कोशिश की है। एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो दोनों मिलते हैं लेकिन वायरलेस नहीं है, वायर्ड के साथ है। गाड़ी जो स्टार्ट होती है, सबसे पहले स्टार्ट होती है सीएनजी में, वो वाली चीज़ नहीं है कि पहले आपको पेट्रोल में ऑन करना है फिर आपको सीएनजी में जो है उसको शिफ्ट करना है। आपको यहाँ पे एयरकॉन के कंट्रोल्स मिल जाते हैं जिसमें आप एसी टेम्परेचर वगैरह जो है वो अपने अकॉर्डिंगली ब्लोअर वगैरह सेट कर सकते हैं। दूसरा, नीचे आपको यूएसबी पोर्ट्स मिलते हैं, 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है। और एक जो खास चीज़ है वो है ये इसका ऑटोमेटिक एएमटी जो अब आपको सीएनजी में मिलने लगा है। इसको मैंने ऑलमोस्ट जो है 100-150 किलोमीटर के आसपास चला लिया है, अच्छे से एक्सपीरियंस कर लिया है। एएमटी वाली पूरी करेक्टरिस्टिक्स इसमें आती हैं, जैसे एएमटी काम करता है बिल्कुल वैसा ही करता है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि लैग बहुत ज़्यादा नहीं है। 3 सिलेंडर इंजन इसमें आता है जो पावर प्रोड्यूस करता है। अगर हम सीएनजी की बात करें 73 BHP की पावर जनरेट करता है और 95 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। अगर पेट्रोल में इसको चलाएं तो वो तकरीबन 86 BHP की पावर जनरेट करता है और 115 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। ठीक है, अब ये तो होगी बेसिक स्पेसिफिकेशन, अब चलाते हैं गाड़ी को। गाड़ी जो है सीएनजी में स्टार्ट हुई है। ट्रैफिक आप देख सकते हैं, सामने जो है रेड लाइट था उसमें आपको ट्रैफिक मिलेगा। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप इसको बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चला रहे हैं या फिर आप इसको कंजेस्टेड एरियाज में चला रहे हैं तो इसका क्रीप मोड बहुत बढ़िया है। यानी कि जब भी आप इसको स्लो स्पीड पर भी चलाएंगे तो आपको बहुत स्मूथ चलेगी, कहीं भी आपको जो है वो ऐसा फील नहीं होगा कि लो स्पीड में जो है जर्क फील हो रहा है या फिर परफॉर्मेंस का कुछ इशू आ रहा है, गाड़ी चल नहीं रही है, उठ नहीं रही है, बढ़िया उठती है। दूसरा, जैसे अब आप सामने देख रहे हैं कि इस टाइम खाली रोड है, अब मैं इसका जो है एकदम हार्श जो है पैडल प्रेस करूँगा, एक साउंड प्रोड्यूस होगी। दूसरा, हेड नॉट आता है बिकॉज एक एएमटी है, एएमटी की आपको जो है प्रॉपर्टी पता ही है, करेक्टरिस्टिक्स यही रहता है कि इमिडिएटली वो जो है गियर शिफ्टिंग नहीं होती है, टाइम लेता है। और दूसरा, हेड नॉट फील होता है, तो हेड नॉट तो आपको फील होगा। बट कोई भी एक जो ये गाड़ी लेगा वो इस पर्पस के लिए लेगा ही नहीं, परफॉर्मेंस के लिए इस गाड़ी को कभी भी नहीं लेगा। वो लेगा आराम से चलाने के लिए, वो लेगा इसकी माइलेज निकालने के लिए, कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए। और जब आप इसको सॉफ्ट पेडल चलाते हैं, जैसे अभी फिलहाल मैं इसको बिल्कुल सॉफ्ट पेडल चला रहा हूँ, आराम से चला रहा हूँ, गियर शिफ्टिंग आपको बिल्कुल फील नहीं होगी। पहले से दूसरे में जब जाता है तब ज़रूर फील होता है, लेकिन तीसरे चौथे पांचवे में आपको गियर शिफ्टिंग बिल्कुल फील नहीं होती है, प्रोवाइडेड आप इसको सॉफ्ट पेडल चला रहे हैं। हार्श पेडल तो ऑब्वियसली पता चलेगा ही आपको, लेकिन वो भी पहले से दूसरे और दूसरे से तीसरे में होगा, उसके बाद वो भी फील नहीं होगा। अभी जैसे सामने खाली रोड होगी, मैं इसको थोड़ा सा भगाता हूं और दिखाता हूं कि कितनी मैक्सिमम स्पीड तक चली जाती है सीएनजी पे चला रहे हैं। तो ये तीसरे में ये आराम से 100 की स्पीड क्रॉस कर लेती है, हालांकि इंजन की साउंड काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। और जब ये गियर शिफ्ट करता है तो आपको पता चलता है, जैसे ये फिफ्थ गियर पे आई, अभी करंटली 97, 98, 100, तो इसने आराम से 100 की स्पीड, इनफैक्ट मोर देन दैट 100 की स्पीड जो है क्रॉस कर ली है। अच्छी चीज़ ये है कि 100 की स्पीड पर जाने के बाद भी कोई किसी तरह की वाइब्रेशन स्टेयरिंग में नहीं है, गाड़ी में नहीं है, पेडल में नहीं है। आपको ये फील नहीं होगा कि आप बहुत तेज़ गाड़ी चला रहे हैं, बिकॉज एक छोटी गाड़ी है, छोटे इंजन की गाड़ी है, सीएनजी कार है। आप इसको कई बिल्कुल एकदम से हाई स्पीड चलाएंगे तो आपको हो सकता है कि आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि उसके लिए बनी नहीं है, आप ये जस्ट फॉर द टेस्टिंग पर्पस के कितनी लिमिट तक ये जा सकती है वो मैंने आपको दिखाया। ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसको इतनी स्पीड पर चलाएं, बिकॉज उतनी स्पीड के लिए बनी नहीं है। ऐसा नहीं है कि सेफ्टी वाइज कोई कमज़ोर है, सेफ्टी भी पूरी है। 4 स्टार की रेटिंग इसको ग्लोबल एनकैप में मिली थी। ABS, EBD, एयरबैग्स, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिलती हैं। उसी वजह से ये कार जो है ये एक फैमिली कार बन जाती है और सेफ कार बन जाती है आपकी फैमिली के लिए। वहाँ पर एक मिडिल क्लास पर्सन, जैसे मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में भी बताया था कि अगर मिडिल क्लास पर्सन है वो इस गाड़ी को लेना इसीलिए चाहेगा कि उसको एक प्रॉपर फैमिली कार मिल रही है, अच्छा AC मिल रहा है, अच्छा साउंड सिस्टम मिल रहा है, बढ़िया कंफर्ट मिल रहा है सीट्स का। यहाँ पे आपको फैब्रिक सीट्स मिलती हैं। और AC की परफॉर्मेंस मैं देखूँ, अभी AC का जो हमने ब्लोअर है वो सिर्फ 2 पे कर रखा है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, अराउंड 35-36 डिग्री या के आसपास होगा गर्मी, तो अभी हमने ब्लोअर स्पीड हल्की सी बढ़ा दी है। तो इतनी गर्मी में भी अगर आप 3 या 4 की ब्लोअर स्पीड पर रखते हैं, टेम्परेचर इसका जो है वो कम करके रखते हैं, हमने उसको फिलहाल अभी 19-20 के आसपास रखा हुआ है, बढ़िया AC है, आपको अंदर बैठे गर्मी फील नहीं होगी। मैंने इसको थ्रू आउट जो चलाया वो CNG में ही चलाया है, और CNG में चलाते हुए कभी भी ऐसा कोई मोमेंट बीच में नहीं आता कि AC जो है वो काम करना बंद कर गया या इसने ट्रिप कर गया हो, AC उतनी देर के लिए कूलिंग ना कर रहा हो, ऐसा एक बार भी ऐसा कोई चीज़ नहीं आया, वो चीज़ नहीं आया। एक वो दूसरा, यहाँ पर अगर हम देखें तो आपको कोई यहाँ पर स्टीयरिंग में क्रूज़ कंट्रोल नहीं मिलता है, ठीक है। और दूसरा, आपको यहाँ पर मीडिया कंट्रोल्स लेफ्ट साइड में मिलते हैं जिसमें आपका
अगेन यहाँ पर जो हार्मोन का सिस्टम है उसको कंट्रोल करने के लिए मिलता है, और पुश स्टार्ट बटन भी आपका जो है इसमें नहीं आता। ये टॉप वेरिएंट है टियागो सीएनजी का, एक्सजेड प्लस जो आता है, ये तकरीबन आपको पड़ जाता है 10 लाख के आसपास ऑन रोड पड़ जाता है। 7.90 से इसकी स्टार्टिंग हो जाती है एक्स शोरूम, और 10 लाख 10.5 लाख डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सी सिटी में रह रहे हैं। अच्छी चीज़ ये है कि 10 लाख के अंदर आपको एक सीएनजी कार मिल रही है ऑटोमेटिक के साथ। ये एक प्लस पॉइंट है, बिकॉज मैं ये मानता हूँ कि बहुत से लोग जो है वो सीएनजी लेते हैं और कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये रहता है कि यार सीएनजी ले तो लिए, जब हम ट्रैफिक में फंसेंगे या हम कहीं ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे हमें जैसे 100 किलोमीटर रोज़ चलाना है, तो फिर जो मैनुअल है वो आपको बहुत परेशान करता है। मैंने खुद ने बहुत मैनुअल गाड़ी चलाई है, तो मैं समझ सकता हूँ कि मैनुअल गाड़ी जब आप ट्रैफिक में फंसे तो कितना परेशान होती है, और चाहे वो आपको AMT क्यों ना मिल रहा हो, लेकिन एक ऑटोमेटिक का मज़ा सिर्फ ये होता है कि आप उस सारी झंझट से बच जाते हैं जो आपको जनरल मैनुअल गाड़ी में मिलता है। ठीक है, TPMS आपको यहाँ मिल जाता है। TPMS आप देख सकते हैं सामने स्क्रीन पे, आपको अगेन एक सेफ्टी फीचर है वो आपको मिल जाता है। राइट साइड में आप देखेंगे तो आपको पेट्रोल का फ्यूल गेज बता रहा है, और ऊपर टॉप की साइड देखेंगे तो आपको CNG का फ्यूल गेज बता रहा है, यानी कि 3 बार्स अभी CNG की हैं और 4 बार्स अभी इसमें पेट्रोल की हैं। फिलहाल ये अभी पेट्रोल CNG पे चल रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी फिलहाल जो है वो CNG पे चल रही है। और अच्छी चीज़ ये कि CNG पे चलते हुए अगर आप इसको बीच में जैसे आपकी ज़रूरत पड़ती है आप इसको पेट्रोल में शिफ्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अब इसको पेट्रोल में शिफ्ट करना है, तो मैं सिंपल ये बटन प्रेस करूँगा तो ये CNG से हट करके अब ये पेट्रोल पे आ गई। ऑब्वियसली पेट्रोल फिर एक पेट्रोल गाड़ी है, थोड़ा आपको परफॉर्मेंस वाइज भी BHP जैसे मैंने पावर वगैरह बताया वो इसे थोड़ी सी एनहेंस है, वो 73 BHP है, ये 86 BHP के आसपास है, तो ये आपको पता चलेगा कि अब ये पेट्रोल पे आई है। थोड़ा सा परफॉर्मेंस हल्का स्लाइटली सा बेटर हुआ है, बट कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम से ड्रास्टिकली कुछ चेंज हो गया हो कि आपको लगे कि कुछ बहुत ही गाड़ी दबके चल रही थी और एकदम से खुल के चलने लग गई है, ऐसा कुछ नहीं है। हल्का सा, वो भी बहुत आप माइन्यूटली जब इसको नोटिस करेंगे तो आपको पता चलेगा, अदरवाइज़ नहीं पता चलेगा। और बहुत ही कन्वीनियंट टू यूज़ है, कोई आपको जो ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग आपको 5-10 किलोमीटर जो है वो पेट्रोल पे चला करके CNG में लेके आनी है। जैसे मैंने बताया गाड़ी स्टार्ट ही CNG पे होती है, तो ये एक मतलब मैं कहता हूँ मास्टर स्ट्रोक है टाटा की तरफ से, इस तरह की जो है वो आपको गाड़ी बना के दे दी है कि अगर आप उसको ओवरऑल CNG पे भी चलाना चाहें तो आपको कहीं भी ज़रूरत नहीं फील होगी पेट्रोल में डालेंगे। हालांकि एक कंडीशन यहाँ टाटा ने ज़रूर रखी है, उनका ये कहना है कि हर 300 किलोमीटर CNG चलाने के बाद तकरीबन 5-10 किलोमीटर आप इसको पेट्रोल पे ज़रूर चला लें, जस्ट टू मेक श्योर कि जो ओवरऑल उनका जो फ्यूलिंग प्रोसेस है पेट्रोल और CNG का जो मैकेनिज्म है वो ढंग से काम करता रहे दोनों तरफ से, पेट्रोल में भी और CNG में भी। तो 300-400 किलोमीटर चलाने के बाद आप 5-10 किलोमीटर पेट्रोल पे ज़रूर चला लें, और ये मुझे लगता है कि ये तो नॉर्मल है, इतना तो कोई भी चला ही लेगा, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आपकी गाड़ी में CNG हो। और एक और चीज़ बढ़िया ये है कि आपके पास 2 बाई फ्यूल आपकी कार है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है कि यार CNG ख़त्म हो गई तो कैसे चलाऊंगा, या पेट्रोल है तो पेट्रोल, CNG और पेट्रोल दोनों एक टाइम पे रहता है, अच्छी लॉन्ग आपको रेंज मिल जाती है। अगर आप एक बार फुल करा कर निकल रहे हैं, इंटर स्टेट भी जा रहे हैं, तो अच्छी रेंज आपको निकाल करके ये दे देगी। हमारे पास ये गाड़ी जो है वो थोड़े कम ड्यूरेशन के लिए आई है, तो इसका हम रेंज टेस्ट नहीं कर पाए हैं, लेकिन कुल मिला के अगर इसकी क्लेम्ड रेंज की बात करें तो 27-28 किलोमीटर पर KG के हिसाब से क्लेम ये कर टाटा क्लेम करती है कि ये दे देती है। 8-10 KG इसमें आती है, यानी कि 270-280 किलोमीटर आसपास आपको CNG में मिल जाएगी पेट्रोल अलग से। बट मेरा ये मानना है कि 27-28 ना भी दे, 20 तक भी अगर आपको मिल जाती है, 20-22 भी मिल जाती है, तो भी 200 किलोमीटर प्लस आप इसको CNG पे आराम से चला सकते हैं, और उसके और वो आपको जो है उसकी आप कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना आपको कम पड़ेगा। इसके अलावा पेट्रोल में आपके पास है ये, तो इंटरस्टेट अगर आप जा रहे हैं तो आपको बार बार फ्यूलअप कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि CNG आपको जो है काफ़ी स्टेट्स और में दिल्ली NCR के अलावा मिल जाएगी, लेकिन आपको वो टेंशन नहीं रहेगी क्योंकि आपके पास दोनों चीज़ें फुल हैं, अगर तो आप आना जाना भी जो है उसी एक फ्यूल पे जो टॉपअप पे करवा चला सकते। ओवरऑल ड्राइव की बात मैंने करी कि इसकी ड्राइव बहुत कंफर्टेबल लगी मुझे। सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि मैंने और भी AMT चलाए हैं, बट इसका AMT मुझे फार बेटर लगा। हेड नॉट डेफिनेटली है, बट वो कब है जब आप इसको हार्श पेडल प्रेस करते हैं, सॉफ्ट पेडल रखते हैं तो उतना ज़्यादा ये आपको हेड नॉट भी नहीं देता है। और गियर शिफ्टिंग तो यार AMT में आपको पता चलेगी ही चलेगी कैसा भी क्यों ना हो, एटलीस्ट ऑटोमेटिक तो मिल रहा है इस रेंज में। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि मैनुअल से तो फार बेटर ही है ना कहीं AMT। इसका स्टेयरिंग लाइट है, स्टेयरिंग आप जब इसको इस पर बैठते हैं आप इसको कंट्रोल करते हैं कहीं भी आपको जो है वैसा फील नहीं होगा। सबसे पहली चीज़ कि रिस्पॉन्स अच्छा है, दूसरा लाइट वेट है,
आराम से। तो अगर आपकी एज अ सेकेंडरी कार आप इसको घर पे लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जो घर में अगर कोई फीमेल्स हैं उनके लिए अगर एक सेकेंडरी कार लेना चाह रहे हैं, या कोई ओल्ड एज पर्सन है आपकी कार में उनके लिए आपके घर में, तो आप उनके लिए अगर एक सेकेंडरी कार लेना चाह रहे हैं, इनफैक्ट प्राइमरी कार भी, सिर्फ सेकेंडरी कार नहीं, प्राइमरी कार भी ये बेस्ट ऑप्शन हो सकती है आपके लिए अगर आपका बजट 10 लाख के आसपास सीएनजी लेने का है, और वो भी एक एड ऑन एडवांटेज है एएमटी का, तो वो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। टियागो या टिगोर की बात करें, इनके जो सस्पेंशन हैं फार बेटर हैं, बहुत ही कंफर्ट आपको राइड देते हैं, ख़राब रास्तों में भी ये बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, और कुशन आपको अच्छा मिलता है। सीट्स का कुशन मैंने बता दिया, उसके अलावा इंटीरियर स्पेशियस इंटीरियर है। बैक साइड में अगर आप देखें तो बैक साइड की सीट्स भी कंफर्टेबल हैं, बीच में एक हम्प जरूर मिलेगा आपको, वो हम्प उस जो थर्ड पर्सन अगर कोई बीच में बैठेगा वो उसके लिए थोड़ा सा इशू ज़रूर हो सकता है, बट ओवरऑल अगर चार लोग जा रहे हैं कंफर्टेबली आप कोई भी डिस्टेंस कोई भी जर्नी अपनी जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। उन लोगों के लिए जो ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना चाहते हैं, सेफली जाना चाहते हैं, विद फैमिली जाना चाहते हैं, और बजट इफेक्टिव कार लेना चाहते हैं कि भाई कम कॉस्ट में हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएं, बेस्ट गाड़ी है, ज़रूर कंसीडर कीजिए। अगर आपने इसकी टेस्ट ड्राइव नहीं ली है, मैं कहता हूँ अगर आपने टियागो पेट्रोल चलाई है, टियागो सीएनजी भी चलाई है, फिर भी एक बार टियागो सीएनजी एएमटी जो ये जो निकाला है टाटा ने, ज़रूर देखिए, जाके टेस्ट ड्राइव ज़रूर लीजिए, क्योंकि ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिया है ऑटोमेटिक के साथ, बढ़िया आपको चॉइस दी है कि आप सीएनजी के साथ आप ऑटोमेटिक भी ले सकते हैं। मेरे ख्याल से ये यहाँ पर इसका जो ड्राइव रिव्यू है वो कंप्लीट होता है। अभी फ़िलहाल पेट्रोल पे चल रही है, वापस इसको सीएनजी कर देते हैं, कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब मैं कहूँ मैं बहुत ही ज़्यादा घुस कर के अंदर देखूँ मेरे को तब भी कुछ डिफरेंस यहाँ पर नहीं लग रहा है। मतलब आप उसको कमी निकालना चाहें तो फिर वो अलग चीज़ है, बट कोई चीज़ आपको जो है डिफरेंस यहाँ नहीं समझ में आएगा कि यार एकदम से ना पेट्रोल से ये सीएनजी पे आ गई। परफेक्ट चलती है, भागती इतना सही है, इसकी हैंडलिंग इतनी अच्छी है, टर्न लेते टाइम आपको कहीं फील नहीं होगा कि यार आप जो है वो जो शार्प टर्न ले रहे हैं या स्पीड से टर्न ले रहे हैं तो गाड़ी जो है वो कंट्रोल में नहीं है या स्टेयरिंग आपको उतना रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। बेस्ट है, परफेक्ट है, ज़रूर कंसिडर कीजिए। तो 7.4 लाख से जहाँ पर नॉर्मल आपको टियागो पेट्रोल स्टार्ट होती है, ये 7.9 से स्टार्ट होती है और जाती है 10 लाख, 10.5 लाख के आस, 10.25 लाख के आसपास। अगेन 55,000 का टोटल डिफरेंस है एक पेट्रोल टियागो में और सीएनजी टियागो में आप। और ये एक गाड़ी है जो मैं कहूँगा कि पेट्रोल सीएनजी ईवी तीनों में आती है, तो ये बहुत अच्छी आपको एक जो है बाई फ्यूल ऑप्शन टाटा ने इसमें दे दी है। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। टियागो सीएनजी एएमटी एक्सजेड प्लस, और इसके बाद हम और भी इस तरह के वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे अगले वीडियो की वेट कर सकते हैं। नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। अगर आप भी अपनी कार का ओनरशिप रिव्यू हमारे चैनल पर करना चाहते हैं तो नीचे दी ईमेल आईडी पर हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।